नमस्ते, जय श्री कृष्ण। मसाला चम्मच में आपका स्वागत है। आपको हैप्पी शकट चतुर्थी। आज के दिन तिल की चीज खाने का नेक होता है, तो उसी मौके पे मैं आपको सिखाऊंगी तिल मावा लड्डू। तो आइए सीखते हैं तिल मावा लड्डू। नमस्कार, आज हम बनाने जा रहे हैं तिल मावा लड्डू। जिसके लिए ये मावा लिया है, ये होममेड मावा है। मैंने इसको घर पर ही बनाया है और थोड़ा सा भून कर इसको रख लिया है। और ये लिए है मैंने तिल, हमारे यहाँ खेत हैं, हमारे खेतों के तिल हैं ये। और आप चाहें तो मार्केट के भी परचेज कर सकते हैं। मार्केट का तिल थोड़ा वाइट होता है और ये हमारी फसल का तिल है, हल्का सा इसका डार्क कलर है। और लड्डू बनाने के लिए हमने लिया है ये बूरा। आप चाहें तो खांड ले सकते हैं, पिसी हुई चीनी ले सकते हैं, बट मैंने बूरा लिया है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने तिल को भून लेंगे। मैंने एक पैन को रख दिया है और हल्का सा उसको गर्म होने के बाद उसमें मैंने अपने तिल डाल दिए हैं। तिल को ज़्यादा नहीं भूना जाता है, हल्की सी बस खुशबू आने तक आप चलाते हुए से भूने, क्योंकि अगर ये ज़्यादा गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हल्का सा तिल में कड़वापन आ जाता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो इसको चलाते हुए आप लो मीडियम फ्लेम पर ही हल्का सा खुशबू आने तक भूने। और तिल के बारे में आपको पता ही है, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। जिनको कमर दर्द होता है, जोड़ों का दर्द होता है, उनके लिए तिल बहुत ही अच्छी औषधि भी है। तो आप इसको किसी भी चीज़ में मिलाकर खा सकते हैं, चाहे आप लड्डू बनाएं इसके, चाहे आप जैसे मैंने बाजरा की टिक्की पहले बताई है वो भी आप बना सकते हैं। और देखिए मेरे तिल में से अच्छी सी खुशबू आने लगी है और ये बिल्कुल भुनकर रेडी है। अब इसमें मैंने अपना मावा ले लिया है और पूरे तिल को भुनने में हमारे 5 से 7 मिनट लगे थे। तो अच्छे से अपने पूरे मावा को तिल में मिक्स कर लें। और मैंने घी का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि ये घर का मावा है तो ये घी छोड़ेगा बहुत ज़्यादा। और अगर आप मार्केट का मावा इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो थोड़ा कम घी छोड़ता है, इसलिए आप चाहें तो 1 से 2 चम्मच देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट देखिए, आप देख रहे होंगे पैन में मेरे मावा ने कितना अच्छे से परफेक्टली घी छोड़ दिया है, इसलिए मैंने घी का इस्तेमाल नहीं किया था। और अच्छे से चलाते हुए आप इसको देखिए, मेरा मावा और तेल अच्छे से एकदम मिक्स हो गए हैं। और इसको आपको ज़्यादा नहीं भूनना, बस मावा अच्छे से तेल में मिल जाए इतना ही। और अब देखिए मेरा थोड़ा सा ये तेल और मावा का मिक्सचर ठंडा हो गया है। आप इसको ज़्यादा ठंडा नहीं करें वरना आपके लड्डू बन नहीं पाएंगे, इसलिए हल्का सा गर्म होए तभी आप इसके लड्डू बनाएं। अच्छे से एक बार और आप मिक्स कर लें। इस बे हम 2 बार में बूरा मिलाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके आप बूरा मिलाएं। अच्छे से एकदम तिल मावा बूरा अच्छे से मिक्स हो जाए। ये लड्डू खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और एक औषधि का भी काम करते हैं। आप किसी को भी इसको नाश्ते में खाने को दे सकते हैं, आपके घर मेहमान आए आप उनको इसको सर्व कर सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और मैंने अच्छे से अपने तिल और मावा को मिला लिया है। थोड़ा सा हम इसमें बूरा अपना और मिलाएंगे। तो आप मीठे को अपने अकॉर्डिंग थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से मेरा तीनों चीज़ें मिक्स हो गई हैं। और अब देखिए दोनों हाथों से आपको देखना है आपके लड्डू बनने की कंसिस्टेंसी में है या नहीं, उसके लिए आप इस तरीके से चेक कर लें। तो दोनों मुट्ठी में मैंने लड्डू लिया है और ये परफेक्टली शेप में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसके लड्डू एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। तो देखिए मैंने एकदम छोटे छोटे लड्डू बनकर तैयार कर लिए हैं। आप इनको बहुत जल्दी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं होती है। कभी अचानक से आपके घर में मेहमान आ जाएं तो उनके लिए भी आप इन लड्डुओं को बना के सर्व कर सकते हैं। और आप इसको किसी भी साइज़ के बना सकते हैं।
चाहे थोड़ा सा छोटा या बड़ा, और इन लड्डुओं को आप 15 डेज के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। और देखिए मेरे सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए, मेरा हाफ ही इसमें बुरा लगा है। तो आप इनको खाएं, नाश्ते में खाएं, दूध के साथ खाएं, बच्चों को किसी भी टाइम खाने के लिए दे सकते हैं। और संकट चतुर्थी के खास मौके पर आप इनको बनाएं और भगवान का भोग लगाएं। मावा लड्डू की एकदम सिंपल रेसिपी आपको कैसी लगी हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा बजा दें। धन्यवाद।